नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। फिरोजाबाद के टूला क्षेत्र में एक दबंग रिटायर्ड दारोगा का महिला की दुकान पर जाकर अभद्रता करने और डंडे से मारपीट करने का वीडियो वायरल हुआ है। बताया जा रहा है कि रिटायर्ड दारोगा के विश्व नामक व्यक्ति पर खेत के पट्टे के 7,000 बकाए थे, जिसको लेकर रिटायर्ड दारोगा उसकी दुकान पर जाकर पहले तो महिला के साथ जमकर गाली गलौज करता हुआ नजर आया, जिसके बाद महिला द्वारा कुछ कहने पर रिटायर्ड दारोगा रामवीर ने दुकान पर रखे डंडे को उठाकर महिला के साथ जमकर मारपिटाई कर दी। इस घटना का वहां मौजूद लोगों ने वीडियो बना लिया, जिसको वायरल कर दिया है। घटना के बाद जब पीड़ित थाने पहुंचा तो थाना अध्यक्ष ने पीड़ित को थाने में बंद कर दिया और धमकी देकर भगा दिया। बस्ती जिले के गौर थाना के रामपुरवा गांव के पास से पुलिस ने दो साथी जालसाजों को अरेस्ट किया। पकड़ गए ठगों के पास से जालसाजी के 5 लाख रुपए नगद, 2 वे चाकू, घटना में इस्तेमाल बाइक पुलिस ने बरामद की है। इन ठगों को पुलिस 13 जून से तलाश रही थी। पुलिस ने दो साथी जालसाजों सलीम और अनीस, जो बाराबंकी के रहने वाले हैं, उनको अरेस्ट कर जेल भेज दिया है। आज दिनांक 23 जून को थाना गौर जनपद बस्ती की पुलिस और सर्विलांस सेल और एसओजी ने बहुत अच्छा काम किया और एक टप्पेबाजों और ठगों का गिरोह का पर्दाफाश किया, जिसके 2 मेंबर को पकड़ा गया है। 13 जून को इन टप्पेबाजों ठगों ने यहां गौर थाना क्षेत्र के एक मास्टर से 8 लाख रुपए ठगे थे, जिसमें उसको उसके खेत लेवल करने का झांसा दिया था। बहुत बड़ी रकम उसके यहाँ से चली गई थी, जो उसने स्वयं अपने स्टेट बैंक के खाते से निकाल करके दी थी। बुलंदशहर में एटीएम कार्ड बदलकर ठगे कर एटीएम मशीन से रुपए निकालने वाले 3 शातिर अभियुक्त परवेज आलम, यूनुस, अंकुर और सागर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों के कब्जे से ठगे किए गए 1,12,000 रुपए, 35 एटीएम कार्ड, 3 मोबाइल और 1 स्विफ्ट डिजायर गाड़ी को बरामद किया गया है। रामपुर डिग्री कॉलेज में आजम खान की पत्नी तंजीन फातिमा अपना वोट डालने पहुंची। वोट डालने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि रामपुर में मतदान बहुत ही धीमी गति से चला, पुलिस प्रशासन जनता को घरों से निकलने नहीं दी, वोटर डरा हुआ है, वोट डालने नहीं आ रहा, लोगों को परेशान किया गया था, शहर में कर्फ्यू जैसे हालात है, उसकी शिकायत ऑब्जर्वर से हमने की। अब देखने वाली बात है कि चुनाव आयोग शांतिपूर्ण पूर्व चुनाव कराने की आहें भरता है, लेकिन देखने वाली बात है कि जिला प्रशासन और पुलिस मिलकर मतदाताओं को घर से निकलने नहीं दे रहा। अगर कोई अपना वोट डालने जा रहा है तो पुलिस उसके साथ अभद्र व्यवहार कर रही है। भारतीय जनसंघ के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वर्गीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर सहारनपुर में बलिदान दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बलिदान दिवस कार्यक्रम में पहुंचे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर पुष्प अर्पित करने के बाद उनके जीवन से जुड़े संस्मरणों को सामने रखा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कांग्रेस समेत सपा पर भी निशाना साधा। इस दौरान राज्य मंत्री कुंवर विजेश सिंह, प्रदेश मंत्री चंद्रमोहन, मेयर संजीव वालिया, जिला पंचायत अध्यक्ष मांगेराम चौधरी, विधायक राजीव कुंभर, कीरत सिंह, मुकेश चौधरी, पूर्व सांसद, जिला अध्यक्ष मौजूद रहे। पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल और उनके परिवार की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही। बसपा के पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल, उनके भाई पूर्व एमएलसी महमूद अली और बेटों पर रेप, मारपीट और छेड़छाड़ के आरोप लगे हैं। पुलिस ने एक महिला की तहरीर पर सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है। घटना बीते दिनों की बताई जा रही है। जिले के मिर्जापुर क्षेत्र निवासी एक महिला ने डाक द्वारा एक तहरीर पुलिस अधिकारियों को भेजी थी। तहरीर में महिला ने आरोप लगाया कि नामजदों ने उसके साथ दुराचार किया, उसके नाबालिग बेटी के साथ छेड़छाड़ की। पुलिस ने महिला थाने में सभी के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। पूर्व मंत्री हाजी इकबाल समेत उनके भाई समेत 6 के खिलाफ धारा 376 और पॉक्सो एक्ट तहत मुकदमा दर्ज किया गया। संभल में पुलिस ने मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले 2 तस्करों को गिरफ्तार कर 1.5 किलो अफीम बरामद की है। पुलिस के अनुसार अफीम की कीमत 6 लाख रुपए है। स्थानीय बाजार में खबानी को झारखंड से अफीम की खेप लाई गई थी।
सहारनपुर में जुमे की नमाज को सकुशल संपन्न कराने के लिए सहारनपुर पुलिस द्वारा की गई तैयारियों के संबंध में सहारनपुर वरिष्ठ अधीक्षक आकाश तोमर ने बताया कि सहारनपुर को पिछले हफ्ते की तरह इस बार भी एक्स्ट्रा फोर्स मिली है, वीडियोग्राफर की टीम भी लगाई गई है, पुलिस अधिकारियों को भी लगातार ड्यूटी पर रखा गया, इसी वजह से जुमे की नमाज सकुशल संपन्न हुई। लखनऊ में उत्तर प्रदेश का पहला ट्रांसजेंडर सेल शुरू हुआ। लखनऊ पुलिस की अच्छी पहल, ट्रांसजेंडर और महिलाओं को अब पुलिस के पास जाते हुए हिचकिचाना नहीं पड़ेगा। खासतौर पर ट्रांसजेंडर की हिचकिचाहट अब दूर होगी, ट्रांसजेंडर की समस्या का यहां आसानी से हल होगा। उत्तर प्रदेश में लखनऊ कमिश्नरी की अनोखी पहल से ट्रांसजेंडर्स को मदद मिलेगी। जालौन में छात्रवृत्ति की मांग को लेकर दर्जनों छात्र छात्राओं ने डीएम से गुहार लगाई है और ज्ञापन सौंपा है। कनाड़ा महाविद्यालय और बंशीधर महाविद्यालय के दर्जनों छात्र छात्राएं कलेक्ट्रेट पहुंचे। छात्र छात्राओं ने डीएम चांदनी सिंह से गरीबी और आर्थिक तंगी की दुहाई देते हुए जल्द से जल्द छात्रवृत्ति प्रदान करने की मांग की है। छात्रवृत्ति न मिलने की दशा में पढ़ाई बीच में रोकने की मजबूरी की बात कही डीएम चांदनी सिंह ने समाज कल्याण अधिकारी को जल्द समस्या के निस्तारण के निर्देश दिए हैं। आगरा में ताजमहल परिसर में डस्टबिन में शराब की बोतलें मिली है। इंटरनेट पर यह वीडियो अब तेजी के साथ वायरल हो रहा है। वहीं सुरक्षा तंत्र में खलबली मच गई है। सीआईएसएफ मामले की जांच करा रही है। ताजमहल के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। अमेठी में अग्निपथ योजना के विरोध में उतरे भारतीय किसान यूनियन टिकैत के कार्यकर्ता। किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने जिले के सभी तहसील मुख्यालयों पर राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन सभी एसडीएम को सौंपा है। किसानों ने कहा कि देश के जवानों और किसानों के प्रति सरकार खिलवाड़ न करे और अग्निपथ योजना को वापस ले। कन्नौज से गुरसायगंज में अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे भाकियों नेताओं को रोका गया है। पुलिस के दम पर प्रशासन ने प्रदर्शन कर रहे भारतीय किसान यूनियन को रोका है। रोके जाने से आक्रोशित किसानों ने भाकियों जिला कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। मौके पर पहुंचे एडीएम गजेंद्र सिंह ने आनन फानन में भाकियों जिलाध्यक्ष से ज्ञापन लिया। रोके जाने से आक्रोशित जिलाध्यक्ष बोले किसान यूनियन युवाओं के साथ है। जिलाध्यक्ष ने बोला कि राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देश पर आगे की रणनीति तय की जाएगी। प्रयागराज के उत्तराव थाना क्षेत्र के घाटमपुर गांव में एक 18 वर्ष का शव मिलने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि युवक का जो शव है वो घर से करीब 500 मीटर की दूरी पर मिला है और सुबह शौच के लिए ये निकला था, तभी ग्रामीणों ने देखा। इसके बाद सूचना जो है वो पुलिस को दी, पुलिस मौके पर पहुंची है। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि गले पर चोट के निशान है तो गला दबाकर हत्या की गई है। मौके पर पुलिस बल मौजूद है, इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। सहारनपुर के थाना बड़गांव क्षेत्र के ग्राम अम्बेहटा मोहन निवासी पार्थिव ज्वार ने सहारनपुर के एसपी देहात को प्रार्थना पत्र देकर आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। पार्थिव ज्वार ने एसपी देहात को प्रार्थना पत्र देकर बताया कि उसके पास गांव में ही आबादी की भूमि है। पार्थिव का आरोप है कि आरोपी जबरदस्ती उसके हिस्से की भूमि पर मकान बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसके बावजूद उसने नींव भी खोद दी है। जब पार्थिव ने उसे ऐसा करने से मना किया तो वो झगड़े को तैयार हो गया। लखनऊ के माल थाना क्षेत्र के रनियामऊ गांव से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर घर से बाहर सो रहे व्यक्ति को चारपाई के नीचे किसी तरह के बम से हमला कर दिया। शिव कुमार उर्फ पगाड़ी जो गंभीर रूप से घायल हुआ था उसका इलाज लखनऊ ट्रामा सेंटर में चल रहा था। जिंदगी और मौत से जूझता हुआ वो नजर आया और उसके बाद आज उसकी मौत हो गई। सूत्रों की जानकारी के अनुसार पीड़ित को न्याय न मिलने के कारण ग्रामीण उनके घर के लोग मिलकर
शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं। जमीन रंजिश को लेकर इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया, ऐसी जानकारी मिल रही है। विजय दरबान सिंह नेगी को उनके पैतृक निवास पर हवन यज्ञ कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। भारत के प्रथम विक्टोरिया क्रॉस विजेता दरबान सिंह नेगी को उनके 72वीं पुण्यतिथि पर प्रथम विक्टोरिया क्रॉस दरबान सिंह नेगी वॉर मेमोरियल फाउंडेशन समिति और उत्तरी कड़ाकोट के दर्जनों गांव के लोगों ने उनके पैतृक निवास पर हवन यज्ञ कर भावभीनी श्रद्धा सुमन अर्पित की। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।